नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आकाश नॉलेज भंडार में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि जुड़ा हुआ है हमारे देश के नेशनल अवार्ड से। जी हां, नेशनल अवार्ड जो कि डिफरेंट फील्ड्स में अच्छे अच्छे काम करने के लिए लोगों को दिया जाता है, और मैंने इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ऐड किया है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा फ्रेंड्स, हमारे सामने आ चुका है हमारा पहला अवार्ड, जिसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि यह भारत का सर्वोच्च भारतीय सम्मान है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और जिसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यह जो भारत रत्न का जो लिस्ट तैयार किया जाता है फ्रेंड्स, वो प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति को सौंपे जाता है वो लिस्ट। उसके बाद यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जो पहला अवार्ड ये दिया गया था फ्रेंड्स भारत रत्न का, वह 1954 ईस्वी को दिया गया था फ्रेंड्स, 1954 को। तीन मतलब पुरुष थे जिनको दिया गया था पहला ये अवार्ड, उनमें से एक था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका फोटो मैं आपको राइट साइड में दे दिया हूँ, आप उनको विजुलाइज कर लीजिएगा। दूसरा था चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनका फोटो भी मैंने दे दिया फ्रेंड्स, आप उनको विजुलाइज कर लीजिएगा। तीसरा पर्सन थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि सीवी रमन, जिसको आप लोग नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और जो लास्ट अवार्ड यानी कि हाल फिलहाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, मैं इसलिए इस फैक्ट को भी इसमें ऐड किया हूँ लास्ट में, कि लास्ट अवार्ड किसको दिया गया, यानी कि अभी 2019 में यह अवार्ड किसको दिया गया है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम्स में भारत रत्न से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, इसलिए मैं बता दूँ आपको कि 2019 में भी तीन पर्सन को दिया गया था। एक थे नानाजी देशमुख, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, आप देख लीजिए। दूसरा है भूपेन हजारिका, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, वो भी ये, हाँ एक चीज़ लिखा हुआ है पोस्ट्यूमस, यानी कि इनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स, इसलिए पोस्ट्यूमस का मीन्स होता है मरणोपरांत, मतलब जीवित अवस्था में नहीं दिया गया था फ्रेंड्स, इसलिए यह पोस्ट्यूमस में दिया गया इनको। और तीसरा जो है वो है प्रणब मुखर्जी, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, उनको भी अवार्ड 2019 में दिया गया था फ्रेंड्स। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ। हमारा अगला अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, यह भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है भारत में फ्रेंड्स। यह जो है लिटरेचर के संबंध में बहुत ज़्यादा ही मतलब सर्वोच्च सम्मान है लिटरेचर के संबंधी में, द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसलिए आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और जो इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1961 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इज़ एन इंडियन लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए यह अवार्ड उस साहित्यकार को दिया जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था फ्रेंड्स, वो 1965 में दिया गया था, वो है, उनका नाम है जी शंकरा क्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड लास्ट, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट एंड लास्ट लेकर आया हूँ, मतलब जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे चीज़ों का फैक्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए फ्रेंड्स। तो अब जो देखते हैं इसका लास्ट अवार्डेड जो हुआ था, वो 2019 में किया गया था, जिनको मिले था उनका नाम है अक्कीथाम अच्युतन नम्बूथिरी, यह भी मैं इनका फोटो आपको राइट साइड में दे दिया हूँ, इसलिए आप नाम को याद कर लीजिए, साथ ही साथ फोटो को भी आप विजुलाइज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड्स की तरफ। हमारा अगला अवार्ड्स है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड फ्रेंड्स। तो इनका जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है फ्रेंड्स, वो सिनेमा जगत में दिया जाता है, और ये सिनेमा जगत के एक हाइएस्ट अवार्ड है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1969 में।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यानी नेशनल अवार्ड, जब नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होता है उस समय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से सारा आयोजन किया जाता है, उस समय यह अवार्ड दिया जाता है। फ्रेंड्स, जो सिनेमा जगत में सर्वोच्च कार्य करते हैं उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इनका जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था फ्रेंड्स, वो 1969 में दिया गया था। वो उनका नाम था देविका रानी, जो कि मैं फ़ोटो में आपको राइट साइड में दे दिया हूँ। फ्रेंड्स, आप उसको विजुलाइज कर लीजिएगा। और वर्तमान में जो लास्ट दिया गया है फ्रेंड्स, 2018 में श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, जो कि इस सदी के महानायक हैं। तो आप उनको तो सब जानते ही होंगे फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको फ़ोटो राइट साइड में दे दिया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड्स की तरफ। हमारा अगला अवार्ड्स है पद्म विभूषण। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है फ्रेंड्स। द पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकेंड ओनली टू द भारत रत्न। यानी भारत रत्न जो है सर्वोच्च भारतीय सम्मान है हमारे देश का, उसके बाद फिर पद्म विभूषण आता है फ्रेंड्स, यानी दूसरे नंबर पर यह सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को हुई थी, और जो फर्स्ट अवार्डेड किया गया था यानी 1954 में, मैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए। सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, वीके कृष्णा मेनन, जिग्मे दोर्जी वांगचुक। और मैंने लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स आपको सारे को सीरियल वाइज से आप लोगों को फोटो दे रखा है फ्रेंड्स, जिसका जिसका नाम है। जैसे कि पहला नाम जो है सत्येंद्र नाथ बोस, तो पहला फोटो आपको सत्येंद्र नाथ बोस जी का है। उसके बाद नंदलाल बोस है, तो उन सेकेंड नंबर में उनका फोटो फ्रेंड्स। इसी तरह सीरियल वाइज मैंने सारा फोटो दे रखा है फ्रेंड्स, आप उसको विजुअलाइज कर लीजिएगा। और लास्ट अवार्डेड जो है 2020 में जो मिला है, जिनको मैंने उनका नाम भी इसमें शामिल किया है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यह सारे नाम इसमें ऐड किए हैं, इसलिए आप इसको सही से याद कर लीजिएगा वीडियो के दौरान ही फ्रेंड्स। तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, विश्वेशा तीर्थ, मैरी कॉम, अनिरुद्ध जगन्नाथ और छन्नूलाल मिश्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चार लोगों को जो है पोस्टोमेस दिया गया, यानी कि इसका मतलब है मरणोपरांत दिया गया। ये आप नाम जानते ही होंगे फ्रेंड्स, अरुण जेटली जो हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, और सुषमा स्वराज जो हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं फ्रेंड्स। इसलिए ये लोग अभी देहांत हो गया है इन लोगों का कुछ ही समय पहले, इसलिए इनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स, पद्म विभूषण। मैंने राइट साइड में आपको सारे के फोटो दे रखा है, आप उनको भी विजुअलाइज कर लीजिएगा। अगर नाम से आप नहीं वाकिफ होंगे तो चेहरे से आप जरूर वाकिफ होंगे फ्रेंड्स, इसलिए मैंने राइट साइड में सीरियल वाइज से सारे का फोटो दे रखा है फ्रेंड्स, आप इसलिए इसको विजुअलाइज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड्स की तरफ। हमारा अगला अवार्ड्स है फ्रेंड पद्म भूषण। पहला जो था वो भारत रत्न था फ्रेंड, दूसरा जो नंबर पर सिविलियन अवार्ड आता है वो आता है फ्रेंड्स आपका पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है फ्रेंड्स वो है पद्म भूषण। द पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसकी भी स्थापना फ्रेंड्स 2 जनवरी 1954 को ही थी, और जो फर्स्ट अवार्डेड हुआ था वो 1954 को दिया गया था फ्रेंड्स। मैं उनका नाम यहाँ पर आपको पढ़ देता हूँ, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, मैथिली शरण गुप्त, जैमिनी रॉय, सुकुमार सेन। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने सारों के फोटो भी आपको लेफ्ट साइड में दे दिया है फ्रेंड्स। आप मैथिली शरण गुप्त का तो नाम सुने ही होंगे, वो एक हिंदी के बहुत बड़े कवि थे फ्रेंड्स, और सुकुमार सेन का भी आप नाम जानते ही होंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रथम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको चेहरे से भी विजुअलाइज कर लीजिएगा। और इन लोगों को पद्म भूषण दिया गया था 1954 में फ्रेंड्स। और जो लास्ट अवार्ड दिया गया है वो 2020 में दिया गया फ्रेंड्स, मैं उनका भी नाम यहाँ पर शामिल किया हूँ, आप उनको ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ आप उसको याद करते हुए चलिए फ्रेंड्स। एक है पीवी सिंधु, दूसरा है आनंद महिंद्रा, तीसरा है एससी जमीर,
अजय चक्रवर्ती, मनोज दास और मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर का तो हाल फिलहाल में निधन हो गया फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते हैं, खबर में आया था। और ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके फ्रेंड बहुत बार, इसलिए आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने राइट साइड में आपको नाम दे रखा है, पीवी सिंधु को तो आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है फ्रेंड, और आनंद महिंद्रा को भी आप जानते ही हैं, महिंद्रा ग्रुप कंपनी के जो है वो हेड है फ्रेंड्स, इसलिए आप इन लोगों का नाम तो जानते ही होंगे फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको विजुलाइज भी कर लीजिएगा, मैंने राइट साइड में आपको फोटो दे दिया है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड्स की तरफ। तो दोस्तों हमारे सामने आ चुका हमारा अगला अवार्ड जिसका नाम है पद्मश्री। जिस तरह हमने देखा पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, फिर उसके बाद पद्मश्री है, यह जो है हमारे देश का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रेंड्स। तो भूषण नहीं होगा यहाँ पर, पद्मश्री होगा, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये यहाँ पर आपको ये भूषण नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ भूषण नहीं होगा, यहाँ पर श्री होगा, पद्मश्री, श्री श्री फ्रेंड, या तो आप इसको याद रखिएगा, द पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फाउंडेड जो हुआ था इनका भी 2 जनवरी 1954 को हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था फ्रेंड्स वो 1954 में दिया गया था, जिनको दिया गया था मैंने उनका नाम यहाँ पर शामिल किया है फ्रेंड्स, आप उनको देख लीजिए, आशा देवी अरण्यकम, वीर भाण भाटिया, पेरिन कैप्टन के शंकर पिल्लई, अम्ल प्रभा दास। तो फ्रेंड्स मैं उसका फ़ोटो भी आपको लेफ्ट साइड में दे दे रहा हूँ, बारी बारी जिसके जिसके नाम है उनके साथ साथ ही फ़ोटो मैं यहाँ पर दिया हूँ फ्रेंड्स, आप उसको विजुअलाइज कर लीजिएगा चेहरे के थ्रू भी। और वर्तमान में जो 2020 में दिया गया फ्रेंड्स, मैं उनका भी नाम आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैंने सारे नामों को ऐड नहीं किया है, मैंने कुछ नामों को जो जो बहुत ही चर्चित पर्सन है मैं उनका नाम दिया हूँ, और बाकी जो लिस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों को उतना आता नहीं है, मगर जो भी इम्पोर्टेंट जो पर्सन है मैं उनको यहाँ पर ऐड किया हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो उसका लिस्ट भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट अवार्डेड जो है 2020 में जहीर खान, भारत गोयनका, मीनाक्षी जैन, एकता कपूर और सरिता जोशी को दिया गया है फ्रेंड्स। तो उनका भी मैं फ़ोटो आपको राइट साइड में दे दे रहा हूँ। जहीर खान को आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, हमारे देश के जाने माने क्रिकेटर हैं, और भारत गोयनका भी हमारे देश के जाने माने एक मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी आप जानते ही हैं। एकता कपूर को भी आप जानते ही होंगे, टीवी सीरियल एक्टर मतलब एक्ट्रेस है, सॉरी टीवी सीरियल से मतलब प्रोड्यूसर है फ्रेंड्स, बहुत सारे सीरियल्स बनाती हैं। और नीचे सरिता जोशी को आप भी जानते होंगे, सीरियल्स में काम करते हैं, फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने। तो हम लोग पद्मश्री अवार्ड को बारे में जान लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पद्म भूषण लिखा हुआ था वो पद्मश्री होगा फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों हमारा अगला अवार्ड्स है परमवीर चक्र। यह जो अवार्ड है फ्रेंड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, क्योंकि यह अवार्ड जो है हमारे सेना के मतलब जो वीरता को सम्मान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इनका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो जो अवार्ड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग एक्ट्स ऑफ वैल्यूर ड्यूरिंग वॉर टाइम, परमवीर चक्र ट्रांसलेट्स एज द व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, एंड अवार्ड इज ग्रांटेड फॉर मोस्ट कंसिस्पिशियस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, इसलिए यह वीरता के लिए यह अवार्ड दिया जाता है फ्रेंड्स, वॉर टाइम में जो बहुत ही साहसपूर्वक प्रदर्शन करते हैं अपना, तो उनको आप परमवीर चक्र दिया जाता है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट अवार्ड जो हुआ था वो 1947 में दिया गया था सोमनाथ शर्मा को, तो वो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। और जो लास्ट अवार्ड दिया गया उनका नाम है विक्रम बत्रा, जिनको 1999 में दिया गया है, मैं उनका फ़ोटो भी आपको राइट साइड में दे दिया हूँ, आप उनको विजुअलाइज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले मतलब मिलिट्री अवार्ड के तरफ, जिनका नाम है महावीर चक्र।
महावीर चक्र जो है यह सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया है, यानी कि मिलिट्री के क्षेत्र में यह दूसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है फ्रेंड्स। जिस तरह हमारा जो भारत पद्म विभूषण था वो हमारा भारत में सिविलियन के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, उसी तरह मिलिट्री के क्षेत्र में जो महावीर चक्र है वह दूसरा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है फ्रेंड्स। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को ही हुई थी और 1947 में यह सबसे पहले दिया गया था इन जवानों को। उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, सिपाही दीवान सिंह, नायक चांद सिंह, सूबेदार विशांत सिंह और जमादार नंद सिंह और ये आपका लास्ट है सिविलियन रामचंद्र। तो मैंने लेफ्ट साइड में सीरियल वाइज से उनका फ़ोटो भी दे दिया फ्रेंड्स, आप उनको विजुअलाइज कर लीजिएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं हमारा जो लास्ट अवार्ड इनको दिया गया परम महावीर चक्र, उनका नाम है कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, जिनको 2001 में लास्ट दिया गया है फ्रेंड्स महावीर चक्र। उनका फ़ोटो मैं आपको राइट साइड में दे दिया हूँ, आप उनको विजुअलाइज कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है, मतलब मैं जो कंटेंट लेकर आता हूँ वो बहुत ही अप्रोप्रिएट और जो ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं उन्हीं सारे कंटेंट्स को अपने वीडियो में शामिल करता हूँ। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हमारा आज का हमारा आखिरी अवार्ड देखते हैं फ्रेंड्स, जिनका नाम है वीर चक्र। वीर चक्र जो है जो यह है थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है मिलिट्री के क्षेत्र में फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, जब मतलब महावीर परमवीर चक्र स्थापना हुआ था उसी समय महावीर चक्र का भी स्थापना हुआ था और वीर चक्र का भी। तो वीर चक्र इज एन इंडियन गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी ऑन द बैटल फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। फर्स्ट अवार्डेड जो हुआ था वो 1947 में हुआ था, जिनको दिया गया था उनका नाम था सूबेदार नदी करेंदा विमैया और सेकेंड लेफ्टिनेंट आर कनिका समी, जिनका फोटो मैं आपको राइट साइड में दे रहा हूँ, आप उनको विजुअलाइज कर लीजिएगा। और जो वर्तमान में लास्ट दिया गया है फ्रेंड्स 2019 में, वो अभिनंदन वर्तमान है को दिया, जो विंग कमांडर थे फ्रेंड्स, काफ़ी चर्चा में रहे थे न्यूज़ में, जो MiG-21 फाइटर प्लेन जो था उनके में मतलब साहसपूर्वक अपना प्रदर्शन किए थे वीरता का, इसलिए उनको वीर चक्र का सम्मानित किया गया फ्रेंड 2019 में। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इस वीडियो को अब इसी यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, अगर पसंद आया है तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी दोस्तों।